हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास अकेडमी और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक क्लास 5 साइंस चैप्टर 6 सीड्स बिकम्स अ प्लांट। इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कितने प्लांट्स हैं या कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें इंपोर्ट किया गया इंडिया में और यूजुअली एज अ लाइफ में ज़्यादातर यूज़ किया जाने लगा। उसी के आगे टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे कौन कौन से मेन कंट्रीज़ हैं और ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें लाया गया और बहुत बड़ी मात्रा में वो हमारे इंडिया में फैलाए गए। तो नंबर वन, इस कैटेगरी में हम बात करेंगे जिसमें हम टाइमिंग, कंट्रीज़ और किनके द्वारा ये लाया गया प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर वन, इन 1807 ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया। इन 1807 ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एंड वो अपने साथ में क्या लेके आए थे? लटाना फ्लावर, जो कि कहाँ से लाया गया था? बेसिकली साउथ अमेरिका से। और इसको कहाँ प्लांटेड किया गया उन्होंने? वो जो अपने साथ में लटाना फ्लावर लेके आए थे उसे उन्होंने एक गार्डन में जो कि कोलकाता में था वहाँ पर उसे प्लांट किया। और इस फ्लावर की ये खासियत थी कि इसमें छोटे छोटे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, छोटे छोटे से फ्लावर्स का एक ग्रुप होता है जो दो अपने साथ में ड्यूअल कलर लेकर के डेवलप करता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन में होता है, चाहे वो पिंक और रेड हो या वाइट और ऑरेंज हो। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर था जिसे ब्रिटिशर्स लेके आए थे फ्रॉम साउथ अमेरिका। और इसे कहाँ लाया गया? कोलकाता में एक गार्डन में उन्हें प्लांट किया गया। नंबर टू की हम बात करते हैं तो इन 1830 ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया और वो अपने साथ में क्या लेके आए थे? यूकेलिप्टस प्लांट लेके आए थे। और उन्होंने वो जो थे वो कहाँ से लेके आए थे इस प्लांट को? ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आए थे। और ऑस्ट्रेलिया से लाने के बाद में उन्होंने इस प्लांट को कहाँ पे प्लांटेड किया गया? नीलगिरी हिल्स, जो कि कहाँ पर है? बेसिकली तमिलनाडु में, जिसे हम नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं। और इस प्लांट की ये खासियत थी कि इसकी लेंथ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लंबा यानी कि टॉल प्लांट था। तो यूकेलिप्टस को कहाँ से लाया गया? 1830 में फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और लेकर के कौन आया था? ब्रिटिशर्स। एट लास्ट इन 1950 इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था वीट। इन 1950 इंडिया ने वीट इंपोर्ट किया था फ्रॉम कहाँ से? अमेरिका से। और अमेरिका से वीट इंपोर्ट करने के साथ साथ यहाँ पे एक ट्रेजेडी एक साथ में प्लांट और आ गया था, जिसके वीट के जो कंटेनर्स थे उनके साथ में कुछ सीड्स यहाँ पर आ गए लग बाय चांस, और वो सीड्स थे गाजर घास यानी कि कैरोट ग्रास के। तो इस तरह से हमारे इंडिया में हमने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज से डिफरेंट प्लांट्स को लाया गया और उन्हें आगे एग्रीकल्चर में कम्प्लीट किया। एक शॉर्ट रिकैप करेंगे हम, चाइना से हम इंडिया में लेकर के आए टी, अफ्रीका से हम लेकर के आए कॉफ़ी, और देन यूरोप से हम लेकर के आए पीज़, और इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे साउथ अमेरिका से लटाना फ्लावर, जिसे कोलकाता में लगाया प्लांट किया गया। ब्रिटिशर्स इन 1830 ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे यूकेलिप्टस। इन 1950 अमेरिका से इम्पोर्ट किया गया था वीट। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और लास्ट एंड फाइनल इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो हो सकता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लांट विच हैव बीन ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है और जिसे किसी और कंट्री से लेकर के आया गया और इंडिया में लगाया गया, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है। और लास्टली एक शॉर्ट रिकैप करना चाहूँगा मैं पूरे चैप्टर का, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के एंड में हमने क्या पढ़ा है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कोई प्लांट कहाँ से किस पार्ट से ग्रोथ करता है, तो जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स के बारे में पढ़ा प्लांट के। फिर हमने देखा था कि प्लांट जो है वो सीड और विदाउट सीड टू कैटेगरी में देखे थे। कुछ प्लांट्स जो थे वो सीड से डेवलपमेंट होते हैं और कुछ प्लांट्स जो थे वो विदाउट सीड यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से वो डेवलप करते हैं और एक न्यू जनरेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो अब्रोड यानी कि अदर कंट्री से लाए गए और कहाँ कहाँ से लाए गए, और कौन कौन से ऐसे प्लांट थे जिसके बारे में पढ़ा। और लास्टली हमने ये देखा कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे
जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से कहाँ लाए गए और कहाँ पर वो ज़्यादा फेमस हो गए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।